बिहार तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उसके गठबंधन के हैं, और उससे तुलना कर रहे हैं, मतलब खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उसका शासन ठीक नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा, कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ मैं, कल कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों द्वारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधी व्याख्या कर छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम करना एक छत्तीसगढ़ी के रूप में मैं सही नहीं मानता। सरकार पर उंगली उठाने वाले जो कि बड़े उत्साह से 2020 की जानकारी लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, एक बार उसके पहले का भी आंकड़ा उठाकर देख लें। बिहार की तुलना करें तो बिहार में 2017 की तुलना में 350 हत्याएं ज़्यादा हुई, वहीं छत्तीसगढ़ में 2017 से कम। अकेले उत्तर प्रदेश में 3800 से अधिक हत्याएं हुई। 20 राज्यों के सर्वे में छत्तीसगढ़ पहले भी अंतिम 6 राज्यों में था, अभी भी है। हत्याओं के मामले में बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा भी छत्तीसगढ़ से आगे है। हत्या के प्रयास के मामले में छत्तीसगढ़ पहले 17वें नंबर पर था, अब 18वें नंबर पर है। बलात्कार के मामले में 2018 में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर था, 2019 में 12वें स्थान पर आ गया है। प्रति 1 लाख आबादी पर बलात्कार के मामलों में आंकड़ा है 2017 में 6.4, 2018 में 7, जब भाजपा की सरकार थी 2019-20 में यह आंकड़ा हो गया था 3.5, यानी कि आधा। हमारे शासनकाल में इसमें लगातार गिरावट आई है। हम चाहते हैं न सिर्फ अपराधी गिरफ्तार हो बल्कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। हमारी सरकार ने न सिर्फ चुप्पी तोड़ो अभियान चलाकर लोगों को इसमें जागरूक किया, साथ ही साथ अपराध को पंजीबद्ध करने में पीछे नहीं हटे। पिछले शासनकाल में अपने आंकड़ों को चमकाने के लिए अपराध ही पंजीबद्ध नहीं किया जाता था। हम अडिग हैं, छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बने रहने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। अपहरण के मामले में आबादी के अनुपात में प्रति लाख आंकड़ा 2018 में 8.1 था, जो 2020 में 6.7 हो गया, यानी कि इसमें भी गिरावट आई। हम गांधी जी के अनुयायी हैं, वो गोडसे के। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ की शांति और छत्तीसगढ़िया लोगों की समृद्धि इन्हें देखी नहीं जा रही है, इसलिए किसी प्रकार के दुष्प्रचार करके भय का माहौल बनाना चाहते हैं।